नमस्कार प्रणाम, हम हई देव सिंह। आप सबसे हम एगो विनती करल चाहतनी, एगो गुजारिश करल चाहतनी, एक अनुरोध करल चाहतनी कि आजमगढ़ लोकसभा से हमनी के बड़ भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ये चुनाव में, ये उपचुनाव में खड़ा बढ़े। तो हम आप सबसे एगो विनती करतनी, हाथ जोड़ के आप सबसे याचना करतनी कि दिनेश जी के एक बार हुआ सब जीताई, अपन कीमती वोट दिनेश जी के दी। हम ऐसे कहल चाहते नहीं कि देखिए हमार घर बलिया है, लेकिन हम जितना हम दिनेश जी के साथ काम कैले बनी, जितना हम दिनेश जी के अपना अपना हिसाब से जानत तनी, बहुत ही नेक दिल इंसान बने। सबसे बड़ी बात कि वो मदद के लिए हमेशा हमेशा आगे खड़ा रहेलन, चाहे वो कोरोना काल के समय रहे कि एक फ़ोन पर अगर फ़ोन ना उठावस तब तुरंत फ़ोन करस, कॉल बैक करस, अब हमने कोई दिक्कत हो तो तुरंत वगैरह सॉल्व करस। तो हम ये कहा कि देखी हम जानते हैं कि हर आदमी अपना तरफ से सोचेला, हर अपना तरफ से फैसला लेवेला, हर लोग अपना हिसाब से सोचेला कि हम केकरा का वोट दी हमने के बस। लेकिन हम इतना ज़रूर काम कि वोट ओकरा के दी जोन रउआ खातिर काम करे, जोन आपके समाज में उठ बैठे, हमेशा आपके सामने रहे, आपके समक्ष रहे। लोग उनकरा के कहला कि नचनिया हाँ गवैया हमें, लेकिन हमें को बात बतावल चाहते नहीं कि नचनिया गवैया जो हो पहले वो इंसान बा, और वो इंसान का जरा के अपन मर जरा के मर्म ना पता हो, जो अपना दिल के बारे में दिल से ना सोचत हो लोगों के बारे में, जो दुख ना जानत हो वो इंसान का। लेकिन हम जानते हैं दिनेश जी खुद गांव से जुड़ल बने, गांव में पलल बढ़ल बढ़ल बरन, और गांव के हर एक चीज़ से वो जुड़ल बरन। तो हम ये कहब कि आप सब के क्षेत्र में जोन भी विकास हुई ओकरा के दिनेश जी जरूर करियन, अपना तरफ से पूरी कोशिश करिए। हम उनका बहुत करीबी से जानत नहीं, ऐसे में रहुआ सबसे विनती करते हैं, और हम ही कहा एक बार हुआ लोग मौका दी, ये बेर मौका दी। अगर दो साल के समय में अगर लगी कि दो साल में अगर वो बहुत अच्छा काम लिखन कर तो अगला बार फिर मौका मिली, दो साल के बाद ही मिली। लेकिन हम ये जरूर कहा कि एक बार ज़रूर आप सब दिनेश जी के अपन कीमती वोट दी और उनके वहाँ से विजयी बनाई। हम अपना बिहाव पर ही कहा था नहीं, और हम चाहब कि अगर वह लोग हमार बात के सीरियसली लेवता नहीं तो प्लीज़ अपना तरफ से अपन कीमती वोट दिनेश जी के दी। दिनेश जी बहुत ही सरल और सहज इंसान बने, और हमेशा अपने पूरे जितने लोग बा, जितना आस पास, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एक्टर हो, चाहे कोई भी टीम से हो, ओकरा मदद करे खातिर हमेशा आगे बढ़ना। चाहे कई सन चीज़ बा जो हम विजयी नहीं कह सकत कि वोट बा ऐसे हम बोलत नहीं, लेकिन सही में दिनेश जी बहुत बढ़िया इंसान बने, और आप सबके वोट एक बार उनके सांसद बना दी तो देखी वो आप सब खातिर बहुत कुछ करी, ये हमारा वादा बा। और ना हुई तो रउआ लोग के पास तो ही बा अपन ताकत, जब चाहे तब दो साल बाद फिर से इलेक्शन होके वाला, तो बस फिर से हम गुजारिश कर कि जरूर एक बार दिनेश जी के कमल छाप पर वोट देकर आप उनके विजयी बनाएं। बस ये कहल चाहते नहीं, इससे ज़्यादा नमस्कार, जरूर उनके वोट दी कमल छाप पर। थैंक यू।